तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा चैनल स्टार्ट करें, किस तरह का वीडियो बनाएं, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे चैनल आइडिया बताने वाला हूँ जो 2023 में सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो अगर आप भी 2023 में एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप भी अभी मैं जो भी चैनल आइडिया बताने वाला हूं, इनमें से किसी भी एक चैनल आइडिया पे आप चैनल स्टार्ट करें, आप जरूर ग्रो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। अब बात करते हैं अपने पहले आइडिया की। तो हमारा पहला आइडिया है स्टार्टअप न्यूज़ का चैनल, स्टार्टअप न्यूज़ का चैनल। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे मैं जो भी आइडिया आपको बताऊंगा उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आप जो वीडियो बनाने वाले हैं उसके लिए आप टॉपिक कहाँ से लेंगे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं। अब उसके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टॉप 10 स्टार्टअप इन इंडिया। ठीक, सिंपली ये सर्च कीजिएगा और देखिए नीचे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल अपलोड होते रहता है स्टार्टअप से रिलेटेड। जस्ट आप देख सकते हैं इंडिया के 10 सफल स्टार्टअप, सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं, सफल मतलब सक्सेसफुल स्टार्टअप। चलिए नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप मिल जाएंगे, जस्ट यहाँ पे एक ही करके आएगा। तो यहाँ पे नेट हमारा अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, नीचे चलते हैं। देखिए सबसे पहला स्टार्टअप बायजू स्टार्टअप, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। बायजू एक एडटेक स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप के फाउंडर का नाम भी यहाँ पे दे दिया है। बायजू स्टार्टअप 2011 में शुरू हुआ जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक, मतलब कि इसके बारे में आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, तो आपको YouTube पे भी बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो स्टार्टअप के बारे में बताते हैं, आप उनको देखकर सीख सकते हैं कि भाई स्टार्टअप का न्यूज़ कैसे देना है, इस टॉपिक पे वीडियो कैसे बनाना है। देखिए वो लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो सेम टॉपिक पे आप भी वीडियो बना सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उनके वीडियो को देखना है और उस टॉपिक को लिखना है, उसको आकर सेम टू सेम गूगल में सर्च करना है। गूगल पे आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, आर्टिकल को पढ़ के और उसके बाद आपको एक वीडियो तैयार करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यूट्यूब पे भी एक चैनल है स्टार्टअप ज्ञान, आप जाकर उस चैनल को चेक कर सकते हैं, उनके वीडियोज को देखने से आपको थोड़ा सा अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि आपको वीडियो कैसे बनाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कंटेंट कहाँ से लेना है, वीडियो के लिए टॉपिक कहाँ से लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैनल आइडिया की। तो हमारा दूसरा जो आइडिया है वो है बिजनेस आइडिया का चैनल, बिजनेस आइडियाज़ का चैनल आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी के टाइम में बहुत किसी के पास पैसा है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि वो अपने पैसे को किसी ना किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और वो इसके लिए खोजते हैं कि भाई कौन सा बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट होगा। तो आप बिजनेस आइडिया से रिलेटेड भी चैनल बना सकते हैं, या अभी के टाइम में बहुत सारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, उनके पास पैसा आ रहा है तो वो भी सोच रहे हैं कि वो अपने पैसे को कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो आप बिजनेस आइडिया का चैनल बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके YouTube पे सर्च करके देख लीजिए, बिजनेस आइडिया के बहुत सारे चैनल हैं जो धीरे धीरे बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और 2025 या 2030 तक उनका ग्रोथ आप खुद देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए 2023 जो है वो चैनल स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर आगे जाएंगे, बात समझिए। चलिए अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो गूगल बाबा से पूछना है भाई, गूगल बाबा सब कुछ बता देंगे। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टॉप 10 बिजनेस आइडिया, नीचे देखिए आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। भारत में सबसे सफल स्मॉल बिजनेस आइडिया वर्ष 2022, यहाँ पे देखिए टॉप 70
एक आइडिया पे आपको एक वीडियो बना देना है। जस्ट यहाँ पे नीचे देखिए 101 बेस्ट न्यू बिजनेस आइडिया इन हिंदी, बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। आपको अपने से थोड़ा भी मेहनत नहीं करना है, आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है बिजनेस आइडिया, वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको वीडियो को देखना है और समझना है कि भाई बिजनेस आइडिया का वीडियो बनाते कैसे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कंटेंट आपको कहां से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे चैनल आइडिया की। तो हमारा तीसरा जो चैनल है वो है बुक समरी का। बुक समरी का चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और देखिए बुक समरी के बहुत सारे चैनल अभी के टाइम में ग्रो कर रहे हैं। आप सिंपली जाके देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो केवल बुक समरी पे वीडियो बनाकर अभी के टाइम में लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं। और इस तरह के चैनल पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। आप जिस बुक का समरी बता रहे हैं उस बुक को एफिलिएट के थ्रू बेच भी सकते हैं अपने चैनल से, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और अभी के टाइम में जो कुकू FM है या पॉकेट FM है, इन सारे ऐप के स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल सकते हैं। चलिए तो आई होप आप समझ गए कि तीसरा जो चैनल आइडिया है बुक समरी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए कि भाई बुक समरी पे वीडियो कैसे बनाएंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बुक का ही समरी पे वीडियो बनाएं, हिंदी में भी बहुत सारी बुक हैं। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है और शौक नहीं है तो आप शौक बना लीजिए YouTube पे ग्रो करना है। तो सिंपली हमारा जो तीसरा चैनल आइडिया है वो है बुक समरी का। अब हम बात करते हैं चौथे आइडिया की। तो हमारा चौथा आइडिया है फैक्ट चैनल, और ये तो इवर ग्रीन चैनल है, ठीक। देखिए पहले से भी यूट्यूब पे बहुत सारे फैक्ट के चैनल हैं, बट इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होते रहता है। फैक्ट चैनल में भी आपको अलग अलग तरह के वीडियोज मिल जाएंगे जो अभी के टाइम में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप फैक्ट का वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि फैक्ट का वीडियो कैसे बनाते हैं, फैक्ट का वीडियो कैसे एडिट करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं अच्छे से बता चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हमारा जो पाँचवा आइडिया है वो है अर्निंग ऐप से रिलेटेड। अर्निंग ऐप से रिलेटेड आप चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि कौन से अर्निंग ऐप से आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अभी के टाइम में देखिए जो बड़े बड़े टेक यूट्यूबर हैं या जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो बहुत सारे ऐप को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि इस ऐप से आप एक दिन का 500 या 1000 कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे क्रिएटर को देखना है कि वो किस ऐप के बारे में बता रहे हैं, आपको उनको कॉपी करना है। यूट्यूब पे ये चलता है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉपी करके वीडियो बनाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप अगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, आप अपनी आवाज़ में बता रहे हैं, आप अपने अंदाज में किसी चीज़ को समझा रहे हैं, तो इसमें कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है कि मैं जो चैनल आइडिया पे वीडियो बना रहा हूँ इस पे कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाया है, इस पे पहले से भी बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक। बट मेरा समझाने का तरीका अलग है, मैं इसी वीडियो को डिटेल से बता देता हूँ। तो इसीलिए देखिए दोस्तों आप YouTube पे दूसरे को कॉपी भी कर सकते हैं। अब सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, आपको उसमें थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा ऐड करना है, तभी आप ग्रो करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे पांचवा जो चैनल आइडिया है वो है अर्निंग ऐप से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं छठे चैनल आइडिया की। तो ये है हमारा मोटिवेशनल चैनल, ठीक। मोटिवेशनल चैनल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मोटिवेशनल मोटिवेशनल चैनल ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसे बनाना है तो इसके बारे में भी आपको मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। मतलब मोटिवेशनल वीडियो के लिए कंटेंट कहाँ से लेना है, वॉयस कैसे रिकॉर्ड करना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। जैसे कि इसमें से किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना सीखना है तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चैनल आइडिया की। तो वो है हमारा कुकिंग वीडियो। कुकिंग का चैनल आप बना सकते हैं और इसके बारे में भी मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुकिंग के चैनल के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक, कुकिंग वीडियो कैसे बनाना है, ठीक। और देखिए कुकिंग के बारे में आपको रेसिपी कैसे पता चलेगा तो ये भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं,
YouTube पे बहुत सारे कुकिंग के चैनल हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगला चैनल आइडिया। तो अगला है हमारा ब्यूटी टिप्स का चैनल। ब्यूटी टिप्स का चैनल, अगर आप एक फीमेल हैं या मेल हैं तो भी आप ब्यूटी टिप्स का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो भी चैनल आइडिया आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना है तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए ब्यूटी टिप्स। ठीक, तो आपको ब्यूटी टिप्स के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जब आप एक्चुअल वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ब्यूटी टिप्स का वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक, ब्यूटी टिप्स के वीडियो में होता क्या है, या मोटिवेशनल वीडियो में होता क्या है, कुकिंग वीडियो में होता क्या है, अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसीलिए मैं आपको पहले बोल दिया, यहाँ से आपको बस केवल चैनल आइडिया देख लेना है कि कौन सा चैनल हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा चैनल है वो है ट्यूटोरियल चैनल। ट्यूटोरियल चैनल क्या होता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में बहुत किसी को चैनल स्टार्ट करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। ठीक, तो आप ट्यूटोरियल चैनल बना सकते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, वीडियो में टैग कैसे लगाएं। और देखिए मैं तो अपना फेस दिखाता हूँ, मेरा भी टेक्निकल चैनल है, मैं अपना फेस दिखाता हूँ, आप अपना फेस नहीं भी दिखा सकते हैं, विदाउट फेस केवल ट्यूटोरियल का चैनल बना सकते हैं। आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, काइन मास्टर ट्यूटोरियल, पिक्सेल लैब ट्यूटोरियल, इनशॉट ट्यूटोरियल, ठीक, एजुकेशनल वीडियो कैसे बनाएं काइन मास्टर से ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको। तो सिंपली आपको देखना है कि भाई ट्यूटोरियल वीडियो होता कैसे है। ठीक, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं अगले चैनल की, तो वो है हमारा एजुकेशनल वीडियो। एजुकेशन के चैनल भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे आप देखते रहिए, पहले ऑनलाइन कोई सोचा भी नहीं था कि भाई ऑनलाइन पढ़ा भी जा सकता है, और अभी के टाइम में आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो एजुकेशनल चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप ज़रूर एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करें। देखिए कंपटीशन तो हर चीज़ में है, आप मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट करेंगे इसमें भी कंपटीशन है। मैंने टेक चैनल स्टार्ट किया, क्या इसमें कंपटीशन नहीं था, फिर भी मेरा चैनल ग्रो किया, बिकॉज मैं किसी टॉपिक को अलग ढंग से समझाता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ, तो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से आपके अंदर जो टैलेंट है, यहाँ पे मैं जो भी आइडिया बता रहा हूँ इसमें किसी ना किसी एक में आपको इंटरेस्ट होगा, उसी इंटरेस्ट को आपको पकड़ना है, उस पर अपना चैनल स्टार्ट करना है। किसी में देखिए किसी भी चीज़ में कोई महारत हासिल नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, यही चीज़ समझिए। आप सीख कहाँ से सकते हैं, YouTube से सीखना है, YouTube पे सिखाना है बस। चलिए तो एजुकेशनल चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा चैनल है वो है कहानी का चैनल, जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। कहानी का चैनल आप बना सकते हैं, हिंदी कहानी, और इस पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया है कि कहानी वीडियो कैसे बनाएं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाइए और देखिए। सिंपली आप देखकर ही किसी चीज़ को सीख सकते हैं, यहाँ से आपको केवल आइडिया लेना है। जो थोड़ा सा मुश्किल था उसके बारे में मैं आपको बता दिया, जैसे कि स्टार्टअप न्यूज और बिजनेस आइडिया, ये थोड़ा सा नया है और अभी के टाइम में यूट्यूब पे ये नया स्टार्ट हुआ है, बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप न्यूज। ठीक, तो इसके बारे में मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें तो आप पहले से भी परिचित होंगे। चलिए अगला जो हमारा चैनल आइडिया है वो है गैजेट रिव्यू। गैजेट रिव्यू, जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला है, या कोई कार लॉन्च होने वाला है, कोई बाइक लॉन्च होने वाला है, अभी मार्केट में नहीं आया है। ठीक, तो उस पर आप वीडियो बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार आने वाला है तो उसमें कौन कौन से फीचर होंगे, ठीक, कितना में मिलेगा, इस पर आप वीडियो बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फ़ोन लॉन्च होने वाला है तो फ़ोन के बारे में भी आप वीडियो बना सकते हैं, उसका रैम कितना होगा, उसका कैमरा का क्वालिटी कितना होगा, मतलब कितना मेगापिक्सल का कैमरा होगा, उस फ़ोन में कौन कौन से फीचर होंगे, तो गैजेट रिव्यू पे आप वीडियो बना सकते हैं। और इस तरह के जो चैनल होते हैं उनसे अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होता है, आप एफिलिएट लिंक के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस तरह के चैनल पे। देखिए ये जो गैजेट रिव्यू का चैनल है और अर्निंग ऐप का जो चैनल है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है, बात समझिए, बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है। चलिए अगला जो हमारा चैनल है वो है इन्वेस्टमेंट का चैनल।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चैनल। अब यहाँ पे मैंने इस चैनल आइडिया को क्यों ऐड किया, तो देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में बहुत किसी के पास पैसा तो है बट उसको पता नहीं है कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें। लोग डरते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने से बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि कौन सा स्टार्टअप या कौन सा कंपनी उनको अच्छा रिटर्न देगा। पैसा है सबके पास, जैसे कि अभी मेरे पास भी, मैं कुछ पैसा अर्न करता हूँ बट मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है कि भाई कहाँ पे पैसा हम ऐड लगाएंगे तो हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हालांकि अभी के टाइम में मैं सीख रहा हूँ, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का वीडियो देखते हैं तो आप इस पे भी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रख के बताना है, सही इन्फॉर्मेशन लोगों को देना है तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपका चैनल बहुत फास्ट ग्रो करेगा। चलिए अगला जो हमारा चैनल है वो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप चैनल बना सकते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से पैसे कमा सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐप हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। मैं भी एक वेबसाइट से पैसे कमाता हूँ, फाइबर, वहाँ पे आप बैनर बनाकर, लोगो बनाकर बेच सकते हैं, वीडियो एडिट करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हैं। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग सर्च करते हैं पैसा कैसे कमाएं, और ये यूट्यूब पे सर्च किया जाने वाला या गूगल पे सर्च किया जाने वाला एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी चैनल आइडिया बताया, अगर आपको इसमें से किसी भी आइडिया के बारे में पता नहीं है तो आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए सेम टू सेम ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपको उस वीडियो को देखना है कि भाई अर्निंग रिलेटेड वीडियो होते कैसे हैं, वीडियो में लोग क्या क्या बताते हैं, और उनसे आपको सीखना है और आपको भी उसी तरीके का वीडियो क्रिएट करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो बनाने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो दोस्तों इन 15 चैनल आइडिया में आपको कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।